गुड मॉर्निंग तमारो थी ये आशा बहन है, इनका नाम भी आशा है, मेरा नाम भी आशा है। हम लोग एक साथ चार धाम की ट्रिप पे गए थे। अभी हम लोग वापस हरिद्वार में चार धाम की तरफ वापस जा रहे हैं। हम लोग सात जने वापस रिटर्न जा रहे हैं, तीन फैमिली जा रही है हम लोग। तो हम लोग बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि पुराने पहचान वाले मिल गए और साथ में ट्रिप में, उस टाइम भी हम 17 दिन साथ में ही थे। तो अभी हमारा एसी कोच डब्बा है, ये देखो आराम से बैठे हैं, एसी कोच डब्बा है, सीटें भी अच्छी हैं, लोअर सीटें हैं नीचे की। फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट, जो जो मैं कहीं जाऊंगी वहाँ वहाँ पर उतारूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग सो के उठे थे और जो ये पास में बैठे हैं, दूसरे मेरे हस्बैंड हैं और दूसरे पास में बैठे हैं वो हमारे यहाँ अहमदाबाद में मणिनगर में रहते हैं। इनके साथ भी हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी। मैं साइड की सीट में जाके बैठ गई थी तो इसके पापा मेरा वीडियो उतार रहे थे कि भाई मॉर्निंग है तो कितनी मेरे को अच्छा लगता है साइड की सीट में, तो ये उतार रहे थे मेरा वीडियो। अब दोपहर हो गई है, हरिद्वार आ गया है, हम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे। देखो आपको हरिद्वार का रेलवे स्टेशन दिख रहा है ना, हम लोग तीन फैमिली गए थे, सात लोग गए थे हम लोग एक साथ। जैसे हम 2019 में चार धाम गए थे ना, तभी भी हम लोग ये सब लोग हमारे साथ में थे। तो हम लोगों ने इस बार प्लान बनाया कि नहीं बद्रीनाथ ना आसपास के जो भी बड़े बड़े मंदिर है वो सब साथ में घूम के आएंगे, क्योंकि हमारे बद्रीनाथ के दर्शन रह गए थे। उस टाइम भीड़ बहुत थी और हम टूर में गए थे। अब ये मैं हूँ, फोटो खिंचा रहे हैं। हम लोग टेम्पो वाले की रिक्शा वाले के भाव नक्की कर रहे थे। A few moments later. अब हम आ गए हैं प्रेम नगर आश्रम में। ये आश्रम बहुत बड़ा है, यहाँ पे रूम्स वगैरह अच्छे अच्छे रूम्स ना, जैसे भी आपको चाहिए उस तरह सब लोगों के रहने की व्यवस्था है। देखो प्रेम नगर आश्रम, ये सिटी एरिया में ही है। ये लोग हम खड़े हैं, हम लोगों का इतना सामान था और ये लोग रूम की व्यवस्था देखने गए थे, हस्बैंड लोग सब लोग। हम लोगों ने सामान शिफ्ट करके रूमों में, फिर पास में एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे ये लोग सब लोग नाश्ता करने के लिए गए थे। मेरा करवा चौथ का व्रत था तो मैंने नहा धो के खाली मैंने चाय पी थी। A few moments later. हम लोग एक कपल तो नहीं आए थे, हम लोग पांच जने गए थे हर की पौड़ी पे। मैंने कहा पहले अपन नहा लेते हैं हर की पौड़ी पे और फिर वहाँ पे दोपहर में देखते हुए फिर अपन वापस होटल में आके फ्रेश होके फिर वापस शाम को गंगा आरती के लिए जाएंगे, हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था। तो ये देखो आसपास में सब दिख रहे हैं। इस बार गंगा में इतना पानी नहीं था, सूखा सूखा था, पता नहीं सफाई अभियान चल रहा है। फिर हम लोग नहा रहे थे गंगा में, इसके पापा ने दूर से वीडियो उतारा था मेरे हस्बैंड ने। पानी का कहीं पे था ही नहीं, थोड़ा था थोड़ा नहीं था, पत्थर थे नहीं, इस तरह से था इस बार गंगा में। जब गंगा आरती होती है तब ये लोग पानी छोड़ते हैं, तब आपको पानी का मतलब फ्लो दिखेगा, अभी इतना पानी नहीं था। ये घाट के किनारे भगवान की सब भगवानों की मूर्तियां भी थी तो ये लोग सजावट कर रहे थे। रात को यहाँ पे बहुत बड़ी आरती होती है। फ्रेश जामफल, हाँ देखो उधर भी जामफल लेके खड़ा है। ये दुकानें हैं, ये हर की पौड़ी है। हम लोगों ने नहा लिया, ठंडा था पानी, ज़्यादा नहीं था पर ठंडा था पानी, ठंडा था पर पानी ज़्यादा नहीं था अभी। ये आसपास में सब शॉप ऐसी ऐसी शॉप, ये देखो पानी बहुत कम है ही नहीं नाम के बराबर। तभी भी जहाँ पे पानी दिखा वहाँ पे नहा लिए। अभी वापस हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल।
फिर शाम को निकलेंगे गंगा आरती के लिए और शॉपिंग के लिए। A few moments later, हम लोग फ्रेश होके शाम को गंगा आरती के लिए आए। बहुत भीड़ थी, तो आप लोग भी गंगा आरती के दर्शन करिए और इसका मज़ा लइए गंगा आरती का। सब लोगों के नसीब में नहीं होती है गंगा आरती देखने की, तो आप लोगों को भी मैं दर्शन करवा रही हूँ। गंगा आरती के टाइम पे सारा वातावरण पवित्र शुद्ध न भक्तिमय वातावरण हो जाता है। सब ऐसे लगते हैं जैसे पूरे हिंदुत्व में ऐसा होता है कि वो भक्ति है भगवान देवता गंगा मैया, तो सबका वातावरण ऐसा हो जाता है ना पवित्र, एकदम शुद्ध वातावरण हो जाता है। गंगा आरती के लिए शाम से भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है कि भई ये जगह मिले आगे पूरा अपन गंगा आरती देखें, तो शाम से भीड़ हो जाती है। ये देखो गंगा का पानी छोड़ा ना उस टाइम गंगा आरती के टाइम, तब इसका फ्लो दिखता है, बाकी उसके बाद एक घंटे पर बाद वापस सूख जाता है। गंगा आरती होने के बाद में सब लोग जाना चालू कर देते हैं जहाँ पे अपने होटल में बाजार में कहीं पे भी। हम लोग भी गंगा आरती के बाद में बाज़ार में आ गए थे कि शॉपिंग करेंगे कुछ गर्म कपड़ों की कि ऐसे। ये तो अभी घाट का ही है, हम चलते चलते इनका शॉपिंग भी करते जाते हैं ना, वूलन कपड़े भी ले लेंगे थोड़े और खा पी के फिर हम लोग अपने वहाँ पे आश्रम में जाएंगे। तो हम लोग मार्केट में घूमने के लिए निकले हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक मोती बाज़ार है वहाँ से हम लोगों ने गर्म कपड़ों की शॉपिंग करी। वो घाट के रास्ते से भी जा सकते हो और रिक्शा करके भी जा सकते हो आप लोग। ये देखो शिव जी का चार रास्ते के ऊपर चौराहा होता है ना, वहाँ पे शिव जी का फाउंटेन जैसा भी था ना, बीच में मूर्ति भी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी बहुत सारी फ़ोटोएँ खिंचाई, यहाँ पर फ़ोटो खिंचा के न फिर हम लोगों ने रिक्शा करके हमारे प्रेमनगर आश्रम आ गए थे। ये देखो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत फोटोएँ खिंचाई। तो आज का फर्स्ट डे तो हमने हरिद्वार में पूरा कर लिया। बाय बाय।